पानीपत नगर निगम अब शहर के रेड़ी संचालकों को स्थायी ठिकाना मुहैया करवाने की तैयारी में जुट चुका है। इसके लिए शहर के 11 स्थानों को चुना गया है, जहां 3000 से ज़्यादा रेड़ी फड़ी लगाने वालों को स्थायी ठिकाना उपलब्ध करवाएगा। इससे शहर की सड़कों पर रेड़ी व फड़ी वालों की वजह से अतिक्रमण की समस्या तो दूर होगी ही, साथ में उन्हें एक स्थायी जगह की एक बैठक निगम कार्यालय में भी हुई, जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग प्लान की समीक्षा की गई। जगह अलॉटमेंट के बाद रेड़ी संचालकों को निगम आईडी कार्ड देगा, जिसके बाद इन्हें जगह के साथ सुविधाएं भी अलॉट कर दी जाएंगी। आज मीटिंग हुई है, क्या था मुद्दा? ये एक्चुअली हमने जितनी भी साइट आइडेंटिफाई किए हैं, जो वेंडर हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हमने टोटल 11 साइट आइडेंटिफाई करी हैं, जिनकी लिस्ट हमने बनाई है और उनको कन्वे कर दिया गया है कि आपने इन इन साइट पे अपने अपनी रेडी लगानी है। इसके अलावा कहीं पाया गया तो हम उनको अलाउड नहीं करेंगे, उनके ऊपर जुर्माना करेंगे। जो भी साइट आइडेंटिफाई है लोकेशन के हिसाब से, उनके जो हमने आधार कार्ड नंबर ले लिया तो उसके हिसाब से उनको आई कार्ड इशू करेंगे सबके, जितने भी वेंडर हैं, और उसी के जो लोकेशन देंगे उनको वहीं अलाउड करेंगे कि आप वहाँ रहो। तो इसके लिए हमने पहले तो टेम्प्रेरी कार्ड इशू करेंगे, फिर परमानेंट पेपर वाला उनको आई कार्ड इशू करेंगे। तो इसमें ये होगा कि जो हमारे जो जगह जगह जो हमारी रेडियाँ खड़ी हैं गलियों में, सड़कों पर, मेन रोड पर, वो अब खड़ी होनी बंद करना पड़ेगा हमारे को। वो नहीं होगा हमारी सड़क पर इनक्रोचमेंट है, वो बंद करेंगे। और जैसे नजायज रेडियाँ लगे लोग दुकानों के आगे लगा लेते हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट का पूरा डिस्टर्ब होता है, वो सारा बंद हो जाएगा। इसमें लोकेशन हमारी हमने टोटल 11 लोकेशन आइडेंटिफाई करी है। एक तो असंत रोड फ्लाईओवर के नीचे, एक जाटल रोड फ्लाईओवर के नीचे, एक गोहाना रोड फ्लाईओवर के नीचे, एक सनौली रोड पे, एक शिवाजी पार्क स्टेडियम के दीवार के साथ साथ, वो अदर हैं बरसत रोड, सिलाई केंद्र बत्रा कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया कच्चा कैम एंड काबड़ी रोड अंडर फ्लाईओवर, सर्कस ग्राउंड फतेहपुरी रोड सेक्टर 13-17 ग्राउंड, ये साइट हमने आइडेंटिफाई करी। ये बस जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, अभी हमने सर्वे हो चुका हमारा काम और उनको सिर्फ आई कार्ड इशू करना है ताकि वो अपनी दुकानें जो रेडियाँ हैं वहाँ शिफ्ट कर लें। सर निगम की तरफ से वहाँ कोई सुविधा दी जाएगी? यस, बेसिकली उनको चार तरह की सुविधाएं देने का हुआ है कि एक तो पानी की, एक बिजली की, एक टॉयलेट्स की, एक डस्टबिन की, और सुविधाएं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। कुछ चार्ज भी ले जाएगा हमसे? ये थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।